प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि एक्सरेज किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। एक्सरे प्रोड्यूस होने का जो प्रिंसिपल है ना, जिस पे एक्सरे डिपेंड करते हैं, वो प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि एक्सरेज आपके पास उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी सूरत में होगी जब आपके पास जो टारगेट आप यूज़ कर रहे हैं, जो मैटर टारगेट, वो किसी हैवी एटम का हो, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ताकि उसके अंदर के शेल आता हो, एल शेल आता हो और एम शेल आता हो, ये शेल उसके अंदर आते हों। इसकी भी एक रीज़न है जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। एक्सरे का प्रिंसिपल ये कहता है कि इसमें ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जिनकी ट्रांजिशन हो रही है वो किसके होने चाहिए, वो हैवी एटम के होने चाहिए, हैवी एटम्स। अब बेसिकली होता ये है कि हमें मालूम है कि हम कोई ना कोई तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन लाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे मौजूद टारगेट मेटल या टारगेट जो भी हमने यहाँ रखा होगा उससे हिट करेंगे, और हमारे पास जो है एक्सरे का प्रोसीजर या उसका जो फिनोमेना है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, हम लोग यहाँ पर एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ले आते हैं। अब ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए किसी भी हैवी एटम जो है उसके न्यूक्लियस के पास जाएंगे या उसके साथ हिट करेंगे, तो क्या होता है, हमें मालूम है न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेल्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने टंगस्टन के एग्जांपल लिया है, तो हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, एंड सो ऑन शेल्स होते हैं हमारे पास। अब ये जो है हर शेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है ना, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है ना, इस शेल में जाकर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉक आउट करा देता है। मतलब ये कि ये आपके पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसको यहाँ से नॉक आउट करा देगा, और नॉक आउट कराने के साथ साथ खुद भी स्कैटर्ड हो जाएगा, तो खुद भी स्कैटर्ड होगा और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इजेक्ट करता है, इसे हम लोग इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो है यहाँ पे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, जिसे मैं ES कह दूँगी। अब अभी तो हम लोगों ने कहा है कि एक्सरे प्रोड्यूस हुए हैं, हमें तो एक्सरे प्रोड्यूस हुए नज़र ही नहीं आए कि एक्सरे कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास के शेल के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आके हिट करता है, और हिट कर इसे यहाँ से निकाल देता है, और इसको जब निकालता है तो साथ ही साथ खुद भी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है। अब जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, जाहिर सी बात है वहाँ पे एक वीकेंट जगह बन गई, या वहाँ पे एक वीकेंट से आ गई ना, क्योंकि वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ चुका है। तो अब ये जो वैकेंसी यहाँ पे बन गई ना, मैं इसे यूँ कर देती हूँ, यहाँ पे अब जो ये वैकेंसी बन गई है, इसे फिल करने के लिए कोई भी हाई, ये जो आपके पास हायर ऑर्बिट होते हैं ना, इन ऑर्बिट में से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब डी एक्साइट होकर आएगा, डी एक्साइट होकर इसकी जगह फिलअप करने के लिए आएगा, तो जैसे ही वो डी एक्साइट होने के लिए आएगा, तो उस वक्त इसमें से जो रेज निकलती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये एक्स रेज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एक्स रे कितनी कौन से टाइप के निकली हैं। आपके पास जो है के शेल में, अगर जाहिर से पता है बात ही के शेल की हो रही है, यहाँ पे हम एल को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि जो न्यूक्लियस से सबसे करीब का शेल होता है ना, उसके अंदर से ही हमेशा इलेक्ट्रॉन ने नॉक आउट होना है, तो जब वो नॉक आउट होगा तभी एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। अब इस एक्सरे को जो है प्रोड्यूस, जो है इसकी जगह फिलअप करने के लिए हायर ऑर्बिट से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्साइट होता है, और डी एक्साइट होकर जब वो इस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिलअप करने आता है तब एक्सरे निकलते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा एमिट उसी फॉर्म में होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्साइट हो रहा हो, क्योंकि एक्साइटेशन के दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी भी रिलीज़ नहीं करते, और यहाँ पर हमें चूँकि एनर्जी वापस निकलती हुई नज़र आ रही है, रिलीज़ हो रही है, तो ये उस सूरत में ही होगा ना जब यहाँ से हायर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर यहाँ पर इसकी जगह को फिलअप करने के लिए जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास डी एक्साइट हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एल शेल का था, और एल शेल से ये डी एक्साइट होकर फॉर एग्जांपल के में आ जाता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले ये हमारे पास था के, ये एल और ये एम है, नहीं पहले बल्कि मुझे एम लेना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर एम शेल से जो है के शेल तक जाता है, तो जो एक्सरेज यहाँ से प्रोड्यूस होंगे उन एक्सरेज को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास के
बीटा एक्सरेज हैं, यानी कि हमारे पास एक्सरेज हमेशा प्रोड्यूस होंगे और एक्सरे जो हैं वो के एक्सरेज होंगे, चूँकि के इसलिए क्योंकि डी एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ने हमेशा के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइट हो यहाँ से निकल चुका है, इजेक्ट हो गया है, उसकी जगह फिलअप करने के लिए आना है। तो हमेशा जो एक्सरे प्रोड्यूस होंगे वो एक्सरे बेसिकली हमारे पास के एक्सरेज होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो के एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे आया कि ये अल्फ़ा के एक्सरेज होंगे, बीटा के एक्सरेज हुए होंगे या गैमा के एक्सरेज होंगे। ये डिपेंड करता है कि किस शेल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर किस शेल के अंदर आया है, यानी कि डी एक्साइट होने के बाद जाहिर सी बात है के अंदर ही आएगा, लेकिन किस शेल से डी एक्साइट हुआ है, कि एम से डी एक्साइट हुआ है, एल से डी एक्साइट हुआ है या किस शेल से डी एक्साइट हुआ है। अगर तो वो एम से डी एक्साइट होकर के अंदर जाता है तो आप इसे कहेंगे कि यह आपके पास के बीटा एक्सरेज है। सिमिलरली अगर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एल से डी एक्साइट होकर आपके पास के अंदर जाता है तो देन जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे आप उसे कहेंगे ये के अल्फा एक्सरेज हैं। सिमिलरली आपके पास जो कि आपको मालूम है कि एन तक शेल भी जाते हैं, तो जब एन तक जाएगा तो एन से जो डी एक्साइटेशन होगी एन शेल से जो है आपकी के शेल की तरफ, तो उसे आप कहेंगे कि ये आपके पास जो डी एक्साइटेशन है जिसकी वजह से एक्सरे प्रोड्यूस हुए हैं वो के गैमा एक्सरेज होंगे। तो बेसिकली आपके पास तीन तरह के एक्सरेज आ जाते हैं, आया कि के गैमा अल्फा एक्सरेज आ जाएंगे, के बीटा एक्सरेज आ जाएंगे और के जो है आपके पास गैमा एक्सरेज आ जाएंगे। ये तीन तरह के एक्सरेज आपके पास आ जाएंगे और एक्सरेज हमेशा तभी आते हैं जब आपका जो एटम है जो आप टारगेट पार्टिकल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी एटम होना चाहिए, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, के शेल भी इसमें एग्जिस्ट करता हो, एल भी और एम भी। होता क्या है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने यूज़ किया, ये आपके पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये इस टारगेट के साथ जाके हिट करता है तो टारगेट के अंदर जाकर के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इजेक्ट करता है और इजेक्शन के साथ साथ खुद ही स्कैटर्ड हो गया। तो अब यहाँ पे इसने वैकेंसी बना दी थी ना, एक उसी वैकेंसी को पूरा करने के लिए बाकी शेल जो कि हाई ऑर्बिट वाले शेल थे वहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि उनकी एनर्जी पहले वाले शेल के शेल से ज़्यादा ही है, तो जाहिर सी बात है जब वो डी एक्साइट होकर आए हैं तब आपके पास ये रेज प्रोड्यूस हुए हैं जिन्हें आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स रेज हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक्स रेज आ जाती है। अब अगर आपको मैं इसकी एक एनिमेशन दिखाऊं जो कि आपको ज़रा थोड़ा क्लियर कर दे कि किस तरीके से मैं इस इजेक्शन इलेक्ट्रॉन और इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास जैसे कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आते आते क्या किया कि इसको हिट किया और हिट करके अब ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया और साथ ही साथ खुद भी स्कैटर्ड हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कि इसके इजेक्शन के बाद यहाँ से स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों आ जाते हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन के शेल से इजेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो खुद भी यहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है। अब इसके बाद अब ये वाला जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी भी शेल में मौजूद है, ये मैंने आपको बताया ना कि आपके पास हायर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एन शेल हो सकता है, वो एम है, वो एल है, वो कोई भी शेल हो सकता है, ये आपके पास के है, फिर एल एम एन एंड सो ऑन। अब वो जिस भी शेल से आएगा तो वो शेल डिपेंड करता है, ये तो बात तय है कि अगर एल से आएगा ना तो तब आपके पास अल्फा प्रोड्यूस होंगे, एम से आएगा तो बी, एन से आएगा गैमा एंड सो ऑन आपके पास प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन था जो कि एक्साइट हुआ यानी कि डी एक्साइट हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, तो हायर ऑर्बिटल से जैसे ही वो जो है आपके पास के शेल के अंदर गया आपकी वैकेंसी को पूरा करने के लिए उस टारगेट की जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो चुका है, तो उधर जाते ही उसने क्या किया कि जैसे डी एक्साइटेशन की है तो डी एक्साइटेशन की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे एक्सरे इस तरीके से प्रोड्यूस हो गए। तो अब चूँकि आप पे आपको मैंने बता दी है कि एक्सरे तीन तरह के हो सकते हैं, वो के अल्फा एक्सरे हो सकते हैं, के बीटा एक्सरेज हो सकते हैं और के गैमा एक्सरेज हो सकते हैं, तो ये तीन तरह के एक्सरेज इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इनकी एनर्जी, इनकी फ्रिक्वेंसी यानी कि जो हमारे पास आती है ना कि एनर्जी डिफरेंट शेल्स की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस हुए हैं, वो एनर्जीज कुछ इस तरीके से हैं। हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एनर्जी होगी ना काइनेटिक एनर्जी जो कि एक्सरेज की काइनेटिक एनर्जी होगी, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा, या आप इसको खाली एनर्जी कह लें, ये जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा गैमा रेज की होगी यानी कि गैमा एक्सरेज की होगी। इसी तरीके से इसके बाद जो है आपके पास जो है एनर्जी आ जाएगी
वो बीटा एक्सप्रेस की आ जाएगी, और उसके बाद जो है आपके पास सबसे जो छोटी है वो के जो आपके पास एनर्जी है वो अल्फा की आ जाएगी, यानी कि ई अल्फा, इस तरीके से आप बना लीजिए अल्फा एक्सरेज, ये आपके पास अल्फा है। यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई हमारे पास गामा रेज की, गामा एक्सरेज की, फिर बीटा एक्सरेज की, फिर हमारे पास अल्फा एक्सरेज की। हमें मालूम है जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी जो है गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी गामा एक्सरेज की, उसके बाद जो है बीटा की आ जाएगी, और उसके बाद एंड पे जो है हमारे पास अल्फा की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पर हमें ये भी मालूम है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी वेवलेंथ के जो है इनवर्स है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा रेज की है तो इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा अल्फा की होनी चाहिए। अब क्या होता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा अल्फा की आ गई हमारे पास, अल्फा के बाद जो है हमारे पास बीटा की आ जाएगी, के बीटा कह लीजिए या बीटा कह लीजिए, और जो सबसे छोटी वेवलेंथ आएगी जो कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा की है, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो सबसे छोटी गामा की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का ट्रेंड भी आ जाता है एक्सरेज के बारे में, हमारे पास एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड भी आ जाता है, और एक्सरेज की हमारे पास वेवलेंथ का भी ट्रेंड आ जाता है। अब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिस ग्राफ में हम ये शो करना चाहें कि जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी इन एक्सरेज की, जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे बनाना है थोड़ा सा ग्राफ सही करके, जो एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं अल्फा गामा और बीटा के एक्सरेज, अगर मैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी वेवलेंथ का आपस में जो है ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हमारे पास इंटेंसिटी है और ये हमारे पास वेवलेंथ है। अब इन दोनों के माँ बहन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहला जो ट्रेंड आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि ये हमारे पास क्यों आ जाता है, जिसमें हमारे पास ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पर जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो हाई है, तो वेवलेंथ हमारे पास शॉर्ट है, और ये वाला वो रीजन आ जाता है जहाँ पे एनर्जी हमारे पास लोअर हो जाती है और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास हाई हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें के शेल, एल शेल, वो जो के हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुए हैं ना, के अल्फा, के बीटा और के गामा के, अगर वो भी हम लोगों को शो कराने हो तो उसे भी हम लोग आसानी से शो करा सकते हैं, वो इस तरीके से कि दोबारा वेवलेंथ और इंटेंसिटी के माबेन हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उस ग्राफ में क्या आता है कि कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है रिलेशनशिप आ जाता है, ये पहली पीक आ जाती है, इसके बाद ये दूसरी पीक आ जाती है, और ये तीसरी पीक, और ये जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। इसको थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं, बहुत ही अजीब किस्म का ग्राफ बना है ऐसे, और उसके बाद जो है फिर पीक थोड़ी नहीं बल्कि थोड़ी सी ऐसे, फिर थोड़ी सी पीक ऊपर जाती है, उसके बाद ये जो तीसरा है उसकी पीक बहुत ही ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है जिसमें ये पहली पीक जो है ये के गामा के लिए, दूसरी पीक जो आपके पास आती है जो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी है, वो आपके पास के बीटा की आ जाती है, और इसके बाद जो तीसरी पीक आती है वो आपके पास के अल्फा की आ जाती है। सिमिलरली नीचे जो है यहाँ पर, यहाँ तक जो रीजन है वो के गामा के लिए, यहाँ तक जो रीजन आता है, यहाँ तक जो रीजन है हमारे पास वो के बीटा का, और ये बाद वाला जो रीजन है ये हमारे पास के अल्फा का आ जाता है। ये ग्राफ बेसिकली शो क्या कर रहा है, ये ग्राफ बेसिकली ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो के अल्फा है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा, और इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा। हमें मालूम है चूँकि इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम है और एनर्जी भी कम है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है आपके पास उसका आपस में इन्वर्सली रिलेशन, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में डायरेक्टली है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसकी एनर्जी है वो सबसे कम है। तो पीक पे हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो के अल्फा एक्सरेज है, इसका मतलब है इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हुई मगर इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो बीटा और गामा से कम हुई। एक्सरेज को हम बहुत से जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, और एक्सरेज को हम लोग, हमें पता तो है कि एक्सरेज इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एक्सरेज की प्रोडक्शन होती कैसे, मतलब कि इसका अपरेटस वगैरह अगर हमें लैब में काम करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ ऐसी अरेंजमेंट करते हैं जैसे कि मैं आपको एनिमेशन में दिखाती हूँ। इस एनिमेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप की, जिसमें यहाँ पे हम एल्युमिनियम टंगस्टन यूज़ करते हैं, इसको यहाँ जो है हम लोगों ने दो वायर्स के साथ कनेक्टेड किया होता है, फिर इसमें जो है हम लोग
बेरियम ऑक्साइड डालते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की अच्छी तरह से सप्लाई जो है आगे की तरफ जा सके। यहाँ पे जो है ये जगह बेसिकली हमारे कैथोड के तौर पर काम करती है, यानी कि जो हमने टंगस्टन फिलामेंट लगाया है ये हमारे जो है यहाँ पर कैथोड की तरह काम करेगी। अब इसकी अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो है हम लोग बैटरी और इसके साथ की लगा देते हैं। की आपको मालूम है, जब आपने सर्किट को कनेक्ट करना होता है तब आप इंसर्ट कर देते हैं, और जब उसे जो है आपने सर्किट तोड़ना हो तो आप उसे ब्रेक करना हो तो निकाल देते हैं। इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लिया, बैटरी यूज़ कर ली और रियोस्टेट यूज़ कर लिया, और इसको दोबारा जो है टंगस्टन फिलामेंट के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिया। ये बेसिकली हम यहाँ पे एक डीसी सर्किट बनाते हैं, और इस डीसी सर्किट को बनाने के बाद हम जैसे ही की इंसर्ट करेंगे, अभी तो हमने इंसर्ट नहीं किया लेकिन जब इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने बेरियम ऑक्साइड की आगे कोटिंग की थी ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाए फिलामेंट से, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन फिलामेंट को मिलते हैं तो यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कैथोड के तौर पर काम कर रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग एनोड की जगह यहाँ पर एक प्लेट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके का बना हुआ एक एनोड, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटल टारगेट होता है, उसे यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल कराते हैं। इसे 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है इस तरीके से टिल्ट करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़ सके, और इसके साथ ही पीछे जो है इसी की रोड हुई होती है जिसे लंबा कर दिया जाता है। लंबी सी एक रोड यूज़ की जाती है, क्यों वो रोड इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इसे हम लोग इनलेट और आउटलेट जो है वाटर में दे सकें। अब ऐसा करते हैं हम लोग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है आ रहे होते हैं, तो एनोड के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जिसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, चूँकि हमने इनलेट और आउटलेट वाटर का दिया हुआ है तो इसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस एनोड में आती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के तौर पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और जो फर्दर बचती है वो एक्सरेज के तौर पर यहाँ से निकल जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने हमें इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाते जा रहे हैं, कुछ जो है आगे यूज़ हो गया और जो बाकी है वो एक्सरेज की फॉर्म में यहाँ से निकलते जा रही है। तो इस तरीके से हम जो है एक्सरेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी लैब के दौरान भी। एक्सरे जो है हमारे पास बेसिकली मेडिसिन को डायग्नोज और उसे क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो डिटेक्शन के लिए भी जो है एक्सरेज यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी पर्पजेज़ वगैरह के लिए। इसी तरीके से अगर आपको किसी जगह पर एरोप्लेन वगैरह के अंदर क्रैक्स वगैरह या एयर बबल वगैरह के अंदर बारे में फाइंड आउट करना हो कि इसके स्ट्रक्चर में कोई क्रैक तो नहीं, तो वहाँ पर भी आप एक्सरे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है मेडिसिन वगैरह में या आपको किसी का ट्रीटमेंट कराना हो तब तो हम लोग एक्सरेज यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको रियल और फेक डायमंड के अगर उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना हो ना, तब हम लोग जो है वो एक्सरेज को यूज़ करते हैं, कि एक्सरे हमें किस तरीके से बता देता है कि ये रियल है और ये फेक है, तो इन काफ़ी जगहों पर हम जो है एक्सरेज को यूज़ करते हैं।